है आप सभी का आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, वो भी लेक्चर फर्स्ट। तो आज से शुरू हो चुका है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। तो शुरू कर देते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि फर्स्ट लेक्चर के साथ लाइट रिएक्शन से शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में लाइट रिएक्शन पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस में इसके बाकी के सारे ऑप्शंस को समझेंगे। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसके अलावा भी दूसरा कौन सा रिएक्शन होता है जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, वो भी हम समझने वाले हैं। तो एक बार क्विकली मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, फिर शुरू कर देंगे इस सेशन को। नाउ सना जुड़ चुके हैं, शाद, हितेश, सुमाया, मनोज, क्रांतिवीर, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो पहली बार मेरे सेशन में जुड़ रहे हैं, माई नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉट सब आपके सामने है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं तो सिर्फ आप हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम हियर। तो आगे बढ़ते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। राइट, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। टेलीग्राम ऐप देख लीजिए पहले किस तरह से दिखता है। टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बाद गो टू एनी ब्राउजर एंड टाइप करिए tinyurl.com/neetlivechat एंड यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस ग्रुप। आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एक और बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neetmobile जहां पर आपको चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज डिस्कोर्स मिल जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहीं से आप डायरेक्टली पीडीएफ नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मिलती हैं आपको लाइव क्लासेस विद द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री और आपके अपने एजुकेटर्स के थ्रू। यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर्स, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड। इसके अलावा टेस्ट सीरीज एनालिसिस आपकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा उम्दा करेगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के थ्रू आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक वीकेंड बैच स्टार्ट हो चुका है, सैटरडे एंड संडे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस फॉर नीट 2021 कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा भी और सारे कोर्सेज इस तरह से दिखते हैं, 50-60 कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग। तो इंस्टॉल कैसे करना है, गो टू प्ले स्टोर और वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कर लीजिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद क्लिक करिए ऑप्शन प्लस और फिर क्लिक करिए नीट एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन। इसके बाद सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा, यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं और यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट। बट इसके पीछे लॉजिक बस इतना ही है, आपको मेरे क्लासेस पसंद आनी चाहिए तभी आप यूज करेंगे कोड प्रदीप लाइव, प्रदीप लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। चलिए बच्चों तो शुरू कर देते हैं आज के अपने इस सेशन को। एक बार क्विकली मैं जरूर देखना चाहूंगा कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। मोहम्मद इरफान, रामशरण, मारिया, मनोज, रोहन, इसके अलावा तनु जुड़ चुके हैं, करणवीर, सावरिया, मनोज, वाहिद, मुजाहिद, सना, वेलकम है बच्चों आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को और देख लेते हैं इस तरह से फोटोसिंथेसिस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो शुरू कर देते हैं इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर को। तो देख लीजिए बच्चों इस पिक्चर से आपको काफी क्लैरिटी जरूर मिल गई होगी कि हम फोटोसिंथेसिस में आखिर क्या क्या समझने वाले हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू फोटोसिंथेसिस। राइट, एक बार देख लीजिए आप क्विकली और अब हम शुरू। तो अब एक चीज जरूर बताइए बच्चों, इस पिक्चर को देख करके, इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को देख करके आपको क्या आइडिया लग रही है। आप देख लीजिए, मैं भी बिल्कुल सन के सामने ही खड़ा हूं तो आपको पूरा का पूरा सन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सनलाइट जरूर आपको दिखाई दे रही है। सो दिस वंडरफुल पिक्चर डिपिक्ट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने इकोलॉजी में पढ़ा हुआ है प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो देख लीजिए प्लांट्स में काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, सन की एनर्जी को यूज करके प्लांट्स जो हैं अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। राइट, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है एग्जैक्टली।
हमने पेड़ आपको दिखा दिया, सनलाइट दिखा दी, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये पता भी होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है. सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो देखिए बच्चों, आपने जो प्लांट्स देखे, उन प्लांट्स की जो हरी हरी पत्तियां थी, जो लीफ थी, उन लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस. यानी कि कुछ यूं कहें कि लीफ में, पत्तियों में होता है फोटोसिंथेसिस. ये देख लीजिए, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है. फिर किसी ने क्वेश्चन किया कि लीफ तो चलिए समझ में आ गया, लेकिन लीफ में होता कैसे है, किस जगह पर होता है लीफ में? तो फिर उसका आंसर ये है कि लीफ के अगर क्रॉस सेक्शन को हम देखें तो हमें दिखते हैं मेसोफिल सेल्स, यानी कि लीफ की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स हैं, उन सेल्स को कहा जाता है मेसोफिल सेल्स. राइट, तो उन मेसोफिल सेल्स में होता है. अब आप अगर फिर भी पूछें कि मेसोफिल सेल्स में कहां होता है, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. तो मैं अब आपको पत्ती को दिखा देता हूं जिस लीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो मान लीजिए ये एक लीफ है, ये रहा लीफ का स्टॉक, और ये लीफ का जो है लीफ ब्लेड या लैमिना. इस लैमिना को अगर हमने कट कर दिया, इस तरह से क्रॉस सेक्शन बना दिया इसका, तो ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ आपको, ये जो चौड़ाई दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या है, इसमें है अपर एपिडर्मिस और है लोअर एपिडर्मिस. दोनों की दोनों एपिडर्मिस यहां पर दिखाई देंगी इस चौड़ाई में. दिस मच विड्थ की बात कर रहा हूं. उसी विड्थ को बच्चों यहां पर आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है. यही वो विड्थ है जो छोटी सी विड्थ मैंने आपको दिखाई, यानी कि ये छोटी सी लाइन जो है, इतनी सी लाइन को एक्सटेंड करके इतनी बड़ी बना दिया गया. यानी कि इतनी जगह में लीफ में जो कुछ है वो आपको यहां दिखने जा रहा है इस क्रॉस सेक्शन के माध्यम से. राइट, सो देख लीजिए बच्चों, लीफ में जैसा कि मैंने कहा कि अपर एपिडर्मिस है, ये रही अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे की तरफ जो है वो है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. अब इन दोनों एपिडर्मिस को आप एक बार इस डायग्राम के माध्यम से जरूर देख लें. देखिए बच्चों, ये रहा अपर एपिडर्मिस, यानी कि ये जो लेयर है सेल्स की, कौन से लेयर है, ये वाली लेयर. देखिए ये वाली जो सेल्स की लेयर है, दिस इज अपर एपिडर्मिस. इस अपर एपिडर्मल लेयर में आपको कहीं भी स्टोमाटा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपर एपिडर्मिस में बहुत कम स्टोमाटा पाए जाते हैं. कुछ, हाँ, कुछ प्लांट्स में जरूर पाया जाता है, जैसे कि आइसोबाइलैटरल लीफ. लीफ में यानी कि अपर या लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों सरफेसेस एक जैसे हैं. ऐसी लीव्स हम यूजुअली मोनोकॉट्स में देखते हैं, और डाइकॉट्स में जो लीव देखते हैं उनको डॉर्सी वेंट्रल कहा जाता है, यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल व्यू होते हैं. अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पाया जाता है, ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट उनमें होते हैं. क्लैरिटी है, समझ में आ गया. अब इसके बाद देखिए लोअर एपिडर्मिस, ये नीचे वाली जो एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इसमें आप जरूर देख रहे हैं गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स हैं, और ये जो ओपनिंग है, ये देखिए, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, और ये जो बीच में गैप है, इस गैप का नाम है स्टोमा, और गार्ड सेल और इस स्टोमा को मिलाकर के बनता है स्टोमाटा. स्टोमाटा इज द ओपनिंग थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज हैपन. तो पहले ध्यान से समझ लीजिए, इस लीफ के क्रॉस सेक्शन को मैं पहले आपको समझा देता हूं, और फिर आगे बढ़कर के बाकी चीजों को भी समझने वाले. अब देख लीजिए बच्चों, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो लेयर है वो है मेसोफिल लेयर. तो मेसोफिल लेयर भी दो तरह की लेयर से बनी हुई, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स, जो पैलिसेड मेसोफिल बनाते हैं. पैलिसेड सेल्स ये सेल्स हैं जो इलोंगेटेड हैं, देख लीजिए कितने लंबे लंबे सेल्स हैं, अपर एपिडर्मिस के साथ बिल्कुल अटैच्ड हैं, कोई गैप नहीं है, और बड़े लंबे लंबे सेल्स हैं. इसके अलावा यहां पर देख लीजिए जो स्पॉन्जी मेसोफिल है, ये एरिया स्पॉन्जी मेसोफिल यानी कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये सेल्स थोड़े से राउंड हैं, दे आर नॉट इलोंगेटेड, और वो मेसोफिल का ही पार्ट है. तो ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो होती है वो पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स में होती है, जिसको पैलिसेड मेसोफिल के नाम से भी यहां पर लिखा हुआ है. पैलिसेड मेसोफिल के नाम से जो लिखा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा होते हैं. अब इसके बात करते हैं कि मेसोफिल तो समझ गए, क्लोरोप्लास्ट कहां है. ये देख लीजिए बच्चों, ये जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ना इस सेल के अंदर, यही है क्लोरोप्लास्ट. अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये एरिया क्या है, जो एम्प्टी एरिया है इन इलोंगेटेड सेल्स में. तो बच्चों यहां पर सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है इन पैलिसेड पैरेन्काइमा मेसोफिल सेल्स में. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं. तो इनके स्ट्रक्चर को एक बार मैं यहां पर दिखा देता हूं. देख लीजिए ये सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, और इन इलोंगेटेड सेल्स के बीच में इस तरह से एक वैक्यूल रहता है. तो वैक्यूल का काम तो आपको पता ही है, सेल सैप वगैरह. और इनके साइड में यहां पर न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट रहते हैं,
ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं अपने आप को सन की डायरेक्शन के हिसाब से ओरिएंट भी कर लेते हैं, यानी कि अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है तो इनका ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा, और अगर मान लीजिए सनलाइट स्लैंटिंग आ रही है, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको कि सनलाइट जरूरी तो है नहीं हमेशा ऊपर से ही आएगी पत्ती, अगर स्लैंटिंग आ रही है तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, देख लीजिए ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर रहे सनलाइट की तरफ। आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के ओरिएंटेशन में कितना फर्क है ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो ये रहा जब वर्टिकल सनलाइट आएगी, और ये है जब हॉरिजॉन्टल सनलाइट आएगी, यानी कि ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सनलाइट के हिसाब से। राइट, इजंट इट सच अ वंडरफुल मैकेनिज्म। तो इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। अब उन क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर है, इसका रीजन है आपको पता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, है ना। तो प्लास्टिड्स जो है सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि सेल के ऑर्गेनल हैं, तो सेल के अंदर ही होंगे, तो उन्हीं प्लास्टिड्स में से एक है क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। राइट, बुशरा, स्वर्णिका, डॉक्टर मोनीश, अहमद, वसीम अहमद, चिराग, श्रवण, रूपाली, शिवेंद्र। चलिए बच्चों, समझ में आ रही है ये चीज आपको। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बाकी की चीजें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं जिनके ऊपर मैंने रेड कलर की लाइन बनाई हुई है अपर एपिडर्मिस आपको समझाने के लिए, इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी कि एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस में देखिए, यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन बच्चों उन्हीं लोअर एपिडर्मिस के साथ साथ जो गार्ड सेल्स हैं उन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट आपको बखूबी नजर आ रहा है, यानी कि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जिस एपिडर्मल लेयर में वो रहते हैं उस एपिडर्मल लेयर के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एक और चीज आप देख लीजिए, जो स्पॉन्जी मेसोफिल है, यानी कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, उसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं, यही एयर स्पेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि स्टोमाटा के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा होता है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा होता है, तो इन्हीं स्पेसेस का ही वर्क है कि ऑक्सीजन को बाहर भेजते हैं और CO2 को अंदर जाने देते हैं। अगर स्पेस नहीं होगा तो ये गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सेल्स अगर बहुत टाइटली पैक्ड होंगे तो दिक्कत होगी, यानी कि लोअर एपिडर्मिस से गैसियस एक्सचेंज होता है और अपर एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, यानी कि वहां पर गैसियस एक्सचेंज थोड़ा कम होता है, देख सकते हैं बीच बीच में गैप है, लेकिन अदरवाइज सेल्स आर टाइटली पैक्ड और उनको इन्हीं एयर स्पेसेस से मिल जाते हैं गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो क्लोरोप्लास्ट को चाहिए इसी लेयर के थ्रू मिल जाता है, यानी कि सेल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यूटिलाइज करते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उस छोटे से स्ट्रक्चर को जो मैंने आपको दिखाया कि जो सन के हिसाब से ओरिएंट हो जाता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं बखूबी, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर है फोटोसिंथेसिस का वो जगह, यानी कि जो प्लांट का असली किचन है वो भी हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहां है। सो नाउ इट इज एन ऑर्गेनल विथ एन आउटर एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और टोटल दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन होता है। देख लीजिए बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन और ये रही इनर मेम्ब्रेन, तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक आवर माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। सेल में ध्यान रखिएगा, देयर आर तीन स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है न्यूक्लियस। नाउ एनवेलप जो होता है, ये जो कवरिंग है डबल मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग है, इट एनक्लोजेस अ लिक्विड प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी कि जैसे कि आप जहां बैठे हुए हैं, आप अपने जिस रूम में बैठे हुए हैं, आपके अलावा आपके आसपास तो एयर है, सो एयर इज द मैट्रिक्स, लेकिन अगर मछली की बात करें जो एक्वेरियम में रहती है उसके आसपास क्या होता है, पानी होता है, सो पानी है वहां पर मैट्रिक्स। इसी तरह से इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड मटेरियल सा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें बहुत तरह के प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं,
तो इस मैट्रिक्स में भी एक टाइप का रिएक्शन हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन सारा का सारा नहीं होता। यानी कि जिसको लाइट चाहिए वो मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है थाइलाकॉइड। एक स्ट्रक्चर का नाम है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। तो ये थाइलाकॉइड्स से ही बना हुआ है। तो थाइलाकॉइड्स जो हैं एक के ऊपर एक हैं, बहुत सारे हैं। देख लीजिए ये थाइलाकॉइड्स हो गए, ये थाइला, तो एक है थाइलाकॉइड और बाकी सारे मिला दे थाइला। अगर अब उस पूरे के पूरे एक स्टैक को ले लिया जाए तो ये पूरा का पूरा स्टैक कहलाता है ग्रैना। तो इसको कहते हैं ग्रैना। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्रैना वर्ड इज प्लूरल, तो सिंगुलर क्या है? ग्रैनम। अगर एक स्टैक की बात हम करें, एक थाइलाकॉइड स्टैक्स की बात करें तो उसको बोलेंगे ग्रैनम, और सारे थाइलाकॉइड स्टैक्स की बात करें तो वो हो जाएगा ग्रैना, राइट? तो थाइलाकॉइड्स की कंपैरिजन जो साइंटिस्ट देते हैं वो ऐसे देते हैं कि मान लीजिए आपने एक सिक्का रखा, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो सिक्कों का जो ढेर बन गया उस पूरे के पूरे ढेर को आप बोलेंगे ग्रैना और एक सिक्के को बोलेंगे थाइलाकॉइड। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो ग्रैना होते हैं, यानी कि जो थाइलाकॉइड से बने हुए ग्रैनाज होते हैं, उन ग्रैना में एक ग्रैना से दूसरे ग्रैनम के बीच में कनेक्शन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू। इन मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है लैमेला या फिर स्ट्रोमा लैमेला। आगे बढ़ते हैं, आगे के डायग्राम्स में और क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है असल में। ये देखिए बच्चों, तो पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट कंटेन्स 70S राइबोसोम। कैसे आश्चर्य की बात है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है उसी प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स आर 70S राइबोसोम्स। तो यानी कि ये इशारा कर रहा है कि क्लोरोप्लास्ट का नेचर कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक से मिलता जुलता है। अब इस चीज को लेकर के कुछ थ्योरीज हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि क्लोरोप्लास्ट शायद किसी जमाने में करोड़ों साल पहले एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म था, उसको किसी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया, तो उसके बाद से वो उसके साथ ही एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बन गया, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। अगेन ये थ्योरी है, इसको प्रूफ नहीं किया जा सका है, रीजन बीइंग उस वक्त कोई नहीं था जब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहा हो। कोशिश जरूर जारी है, हो सकता है कभी प्रूफ भी हो जाए, लेकिन इंडिकेशन तो बिल्कुल साफ है कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक वाले कुछ कारण और कुछ तरीके जरूर मौजूद हैं, राइट? तो जैसे कि 70S राइबोसोम है और सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए हमने बैक्टीरिया में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आरएनए है, आरएनए तो चलिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक नेचर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोमा इज ग्रैन्यूलर मैट्रिक्स। स्ट्रोमा जो है एक मैट्रिक्स है, ग्रैन्यूलर मैट्रिक्स है, कंसिस्टिंग ऑफ एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। अब ये टर्म आपको एक बार समझना जरूरी है, ग्रैन्यूलर मैट्रिक्स कैसे है। एक्चुअली स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज को बनाता है तो उस ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है टेम्परारिली क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स आपको दिखने को मिल जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा है? ग्रैन्यूलर भी है, प्रोटीनेशियस भी है, लिक्विड भी है, कंसिस्टिंग ऑफ एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। देखिए यहां से आपको पता चल गया कि भाई डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में ही होता है, यानी कि उस ग्राउंड मैट्रिक्स में हो रहा है डार्क रिएक्शन जिसका नाम है स्ट्रोमा। Now, stroma consists of flattened sac-like lamella called thylakoid. Sac-like lamella, यानी कि कुछ कुछ चौड़ी बोरियों के जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर है sac-like lamella। देख लीजिए एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज रहते हैं thylakoid। तो ये एक है thylakoid, है ना, दूसरा वाला ऊपर वाला वो भी thylakoid, उसके ऊपर एक और है वो भी thylakoid। तो ये सारे के सारे thylakoid एक स्टैक में डिपॉजिटेड होते हैं, इस पूरे के पूरे स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम। मैं देख लीजिए मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर इज ग्रैनम, स्टैक ऑफ thylakoid, और प्लूरल जो है वो है ग्रैना, राइट? तो इस स्ट्रोमा में फ्लैट एंडेड सैक लाइक लैमेला है जिसका नाम है thylakoids। अब देख लीजिए बच्चों, द ग्रैना स्टैक्स जो हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय
membranous lamella और stroma lamella. ये stroma lamella के through interconnected है. अब ढूंढिए stroma lamella आपको क्या दिख रहा है, ये देख लीजिए बच्चों, ये जो green green connectors हैं, ये जो छोटे छोटे green green connectors दिख रहे हैं, यही है lamella. और इन lamella को भी समझना है, इसको भी समझना है. अब एक बड़ी important बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे बच्चे, पता सबको है लेकिन आप लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज जरूर रहते हैं. देखिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई भी दे रहा है इस पिक्चर में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. क्वेश्चन है कि आउटर मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है और इनर मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, ये भी जानना जरूरी है. तो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है या जो इनर मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितनी की जितनी मेम्ब्रेन्स आप पढ़ते हैं सेल के अंदर, सारी की सारी मेम्ब्रेन्स लिपिड बाई लेयर से बनी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है. देख लीजिए लिपिड बाई लेयर, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजैक थ्योरी दी थी 1972 में, जिसमें जिक्र है लिपिड बाई लेयर का. तो लिपिड बाई लेयर में क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है. तो हेड डज नॉट हेट वाटर, यानी कि वो हाइड्रोफाइलिक होता है, यानी कि वो वाटर जैसा ही होता है, नॉन पोलर ना, पोलर वाटर इज अ पोलर. और जो टेल्स हैं वो हैं नॉन पोलर, यानी कि हाइड्रोफोबिक, है ना. तो ये पोलर नॉन पोलर ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ हाइड्रोफाइलिक और हाइड्रोफोबिक. तो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं, दो दो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई हैं, उसमें जो हेड है दैट डज नॉट हेट वाटर, इट इज ओके टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर. और जो टेल्स होती हैं उनको वाटर से दिक्कत है, राइट. वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यू नो दैट. तो वाटर अगर पोलर है तो जो इसकी टेल है वो नॉन पोलर है, यानी कि जस्ट विपरीत है वाटर के साथ. अब ध्यान दीजिए, चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे वो इनर मेम्ब्रेन हो, वो बना है किससे, लिपिड बाइलेयर से. अब मैं आता हूं काम की बात पर, यानी कि जो थाइलाकॉइड का स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो भी बना हुआ है लिपिड बाइलेयर से, इसमें कोई शक नहीं है. किस तरह दिखता है देख लीजिए, थाइलाकॉइड को अगर हम बनाते हैं तो थाइलाकॉइड को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा. ये एक हेड हो गया और ये दूसरा हेड हो गया, लिपिड बाइलेयर बन रहा है. इसी तरह से इसको कर्व कर दीजिए तो ये बन जाएगा एक थाइलाकॉइड विद द हेड एंड टेल, विद द हेड एंड टेल, विद द हेड एंड टेल. समझ में आ गई बात. तो इस तरह से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है. तो ये थाइलाकॉइड का जो राउंड स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां ग्रीन कलर का थाइलाकॉइड, तो ये स्ट्रक्चर भी लिपिड बाइलेयर से ही बना हुआ, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन है, ये भी लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है. अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हेड और टेल आपको क्लियरली दिखाई दे जाए. और इसके साथ जो लैमेला होता है बच्चों, वो लैमेला भी उसी का कंटिन्यूएशन है. या यूं कहें कि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं लैमेला के साथ दिखाऊं तो आपको और क्लैरिटी होगी कि लैमेला भी लिपिड बाई लेयर से ही बना हुआ है. अब इतनी कहानी मैं ये जो बता रहा हूं इसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि इन लिपिड बाई लेयर में प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, उन्हीं प्रोटीन्स को हमें समझना है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में. गेटिंग द पॉइंट. तो यहीं से आपको क्लैरिटी मिल जा रही है कि भाई थाइलाकॉइड कैसे बने हुए. चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हम जानते ही हैं कि भाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, नोवेयर एल्स. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर है, एक का नाम है ग्रैना और दूसरे का नाम है स्ट्रोमा. तो देख लीजिए बच्चों यहां पर ग्रैना आपको दिख रहे हैं, ये रहे ग्रीन वाले ग्रैना है जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, है ना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड है. और स्ट्रोमा क्या है, इसमें स्ट्रोमा इज दिस मैट्रिक्स, जो ग्रीन लाइट ग्रीन मैट्रिक्स आप देख रहे हैं वही है स्ट्रोमा, यानी कि ये सारा स्ट्रोमा है. अब देख लीजिए इस स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रैन्यूल है या नहीं. सो दिस स्टार्च ग्रैन्यूल्स की वजह से स्ट्रोमा को ग्रैन्यूलर भी बोला जाता है, अदरवाइज इट इज अ मैट्रिक्स. तो लाइट रिएक्शन कहां होता है, लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना में. या कहां पर होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना में. और डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में. अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते कैसे हैं और ये हैं क्या. ओके, सो फोटोसिंथेसिस को हम प्रमुखता दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन. ध्यान से देखिए बच्चे इसको, लाइट रिएक्शन है और दूसरा है डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन कब होता है, लाइट रिएक्शन होता है डे टाइम पे.
यानी कि लाइट रिएक्शन को चाहिए, लाइट लाइट रिएक्शन रिएक्शन लाइट रिएक्शन को किस चीज की जरूरत होती है, लाइट रिएक्शन को चाहिए लाइट, इसको होती है लाइट की आवश्यकता, लाइट की प्रेजेंस में होता है लाइट। और डार्क रिएक्शन जो है तो वो कहां होता है, तो डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होता बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, डार्क में नहीं होता लेकिन उसको लाइट की भी जरूरत नहीं है। सो डार्क रिएक्शन को चाहिए प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को चाहिए प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को वो यूज करता है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो लाइट रिएक्शन जब दिन में होगा तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी दिन में ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है जब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स दिन में मिलेंगे, डे टाइम पे मिलेंगे, तो डार्क रिएक्शन भी डे टाइम पर ही होगा। अब क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है आपके दिमाग में कि फिर इसका अजीब सा नाम क्यों दिया डार्क रिएक्शन, एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का नाम होना चाहिए था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का नाम होना चाहिए था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उन्होंने अपने जमाने में बहुत बड़ा कार्य किया था बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना भी आसान काम नहीं था, तो उनके ऑनर में जैसा रख दिया गया वैसा ही मान लिया गया। यानी कि बुजुर्गों की गलतियों को भी हम पॉइंट आउट नहीं करते, ये तो हमारे कल्चर में भी है, आप अपने जो आपके सीनियर्स हैं घर में, आपके जो बुजुर्ग हैं, क्या आप उनकी गलतियों को हमेशा दिखाते रहते हैं, तो नहीं दिखाते। इसी वजह से जो गलतियां उन्होंने करी कोई बात नहीं, वो हमसे पहले आए और उन्होंने वो करके दिखाया जो उस वक्त जानना बड़ा मुश्किल था, आज देखिए हमें पता है इस चीज के बारे में, तो उनके ऑनर में इसका नाम वैसे ही रखा गया। बट आपको समझ में आ गई बात, वेरी गुड आसिफ, समझ में आया, शिवेंद्र, राइट, ओके, चलिए। तो आप लोगों को रेड कलर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो मैं यूज कर लेता हूं थोड़ा सा लाइटर कलर, मे बी ब्लू कलर विल मेक यू मोर सूदिंग। चलिए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ओके, चलिए बच्चों। नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहां होता है, लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रैना, यानी कि लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड्स में, थाइलाकॉइड एक एक थाइलाकॉइड मिलाकर के ग्रैना बनता है। और डार्क रिएक्शन कहां होता है, इट ऑकर्स इन द स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में सिर्फ एक काम होता है, वॉटर का ब्रेकडाउन, यानी कि H2O जो वॉटर है उस वॉटर का ब्रेकडाउन होता है। सो फोटोलिसिस ऑफ वॉटर अकर्स रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP और NADPH, ये दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो ATP प्रोड्यूस होता है, दूसरा NADPH प्रोड्यूस होता है। यही ATP और NADPH को यूज करके डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 होता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो एक बार समझ लेते हैं कि किया क्या जाता है, देख लीजिए बच्चों, जो NADPH है इसमें है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं NADPH का, ये जो हाइड्रोजन है इसी हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में फिक्स करना है, यानी कि एक तरफ हो गया कार्बन, एक तरफ हो गया ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को ले जाकर के यहां कर देना है फिक्स। कौन करेगा फिक्स, ATP, ये ATP जो है ये इस हाइड्रोजन को फिक्स करने में मदद करेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन फिक्स किया जाएगा डार्क रिएक्शन में, उसको कौन कराएगा, ATP कराएगा, यानी कि उस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। सो दैट ATP ऑफ द लाइट रिएक्शन विल मेक द हाइड्रोजन ऑफ NADPH एडेड टू CO2, तो जब एड हो जाएगा तो ये बन जाएगा C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जो कि है एक कार्बोहाइड्रेट। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं आगे के प्रोसेसेस को। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजियन, तो ये बहुत जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस क्या पूरी की पूरी सनलाइट में हर जगह होता है, तो सनलाइट में बहुत तरह के रेडिएशंस हैं बच्चों, सो आउट ऑफ दोज रेडिएशंस हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन से रेडिएशन में होता है, एक बार वो हम देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन को बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। तो देखिए बच्चों, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट यानी कि
जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है बैनी आह पिनाला। तो वो विबग्योर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ बिटवीन 380 टू 760 नैनोमीटर की रेंज होती है, 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर्स तक की जो वेवलेंथ है उसको कहते हैं विबग्योर। विबग्योर यानी कि VIBGYOR, विबग्योर। तो अब आप समझ गए होंगे, V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू। वायोलेट का तो शेड आपको पता ही है, इंडिगो होता है डार्क ब्लू, नेवी ब्लू टाइप का शेड होता है। इसके अलावा ब्लू हो गया लाइट ब्लू, जिसको स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं। G फॉर ग्रीन, Y फॉर येल्लो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो देख लेते हैं कि ये जो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है, इसमें कौन कौन सी लाइट कलर कौन सी वेवलेंथ में आती है। तो वायोलेट का जो रेंज है वो है 380 टू 430 नैनोमीटर, इंडिगो का जो रेंज है दैट इज 430 टू 470 नैनोमीटर, ब्लू का जो रेंज है 470 टू 500 नैनोमीटर, ग्रीन का रेंज है 500 टू 580 नैनोमीटर, येलो का रेंज है 580 टू 600 नैनोमीटर, ऑरेंज स्टैंड्स अप्रोक्सीमेटली 600 टू 650 नैनोमीटर और रेड है 650 टू 760 नैनोमीटर, राइट। अब रीजन बिटवीन 400 टू 700, रफली स्पीकिंग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का जो रीजन है उसी को कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, यानी कि इसी वेवलेंथ के रेंज में फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म होता है, इसके बाहर चले जाएंगे कम या ज्यादा वेवलेंथ में नहीं होगा। अच्छा, अगर वायोलेट से थोड़ा छोटा वेवलेंथ है तो उसको अल्ट्रा वायोलेट की श्रेणी में डाल दिया जाता है, और रेड से बड़ा है तो इंफ्रा रेड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। अब देख लेते हैं क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट। क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शो फोर पिगमेंट। लीफ के जो पिगमेंट्स हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस फोटोसिंथेसिस को करते हैं, अगर उनको हम अलग अलग करें तो हमें मिलते हैं चार तरह के पिगमेंट्स। वो पिगमेंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए जो कि ब्लूइश ग्रीन है, फिर है क्लोरोफिल बी जो कि येलोइश ग्रीन है, फिर है जैंथोफिल जो कि येलो कलरेशन का है, कैरोटीन ऑरेंज रेड है। तो ये अलग अलग तरह के कलर वाले पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, इनमें से जो सबसे मेन है दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, व्हाइल क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट। बाकी सारे के सारे एक्सेसरी पिगमेंट है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्सेसरी पिगमेंट है, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिए, एक्सेसरी पिगमेंट का मतलब है कि वो मेन रिएक्शन सेंटर पर नहीं होते, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। करता कौन है? क्लोरोफिल ए विच इज द मेन पिगमेंट। अब बाकी के पिगमेंट करते क्या है? बाकी के पिगमेंट जो भी वेवलेंथ मिलती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और चैनलाइज कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ, यानी कि वो सेंड कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। तो देख लीजिए बच्चों, एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड पास इट ऑन टू द रिएक्शन सेंटर जहां पर क्लोरोफिल ए है, व्हाइल ऑल क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एज द ब्लू एंड रेड रीजन। तो वो चाहे क्लोरोफिल ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो या डी हो, हम कई सारे प्लांट किंगडम में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई तरह के क्लोरोफिल हैं। क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी, सारे के सारे क्लोरोफिल सिर्फ ब्लू और रेड रीजन में से एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, बाकी किसी भी कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल हैं, वो थोड़ा सा इन बिटवीन भी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, इसी वजह से वो एक्सेसरी हैं और वो जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। अब बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि कौन कौन सी वेवलेंथ को कितना कितना एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द कर्व प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एट ईच वेवलेंथ बाय दैट पिगमेंट। अब ध्यान दीजिए, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया है वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि अलग अलग नैनोमीटर रेंज यहां पर दिखाया गया है, और वाई एक्सिस में हमने क्या दिखाया है? वाई एक्सिस में दिखाया गया है आपको अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, कितनी अमाउंट की लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस में। ध्यान दीजिए बच्चों, क्लोरोफिल ए को देख लीजिए, ब्लूइश ग्रीन बनाया गया यहां पर, ये देख लीजिए। क्लोरोफिल बी जो है वो
थोड़ा सा येलोइश ग्रीन है। कैरोटीनॉइड्स आप देख रहे हैं येलो टू ऑरेंज है, इसी तरह से ज़ैंथोफिल भी कैरोटीनॉइड से मिलता जुलता है। तो ध्यान दीजिए जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, यहां पर देख लीजिए 400 नैनोमीटर है, फिर 500 नैनोमीटर है, फिर है 600 नैनोमीटर और फिर है 700। इसी रेंज को फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए देख लीजिए यहां से शुरू हो रहा है ना, इतने अमाउंट से शुरू होगा जैसे ही 400 नजदीक आएगा, और कर्व कहां तक जाता है देख लीजिए, यानी कि 420 के करीब, 410 से लेके 20 या 30 तक जो है इसका पीक आ जाता है। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है 400 के बाद, है ना, यानी कि इस रेंज में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा फिर इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, या यूं कहें कि 450 आते आते ये बहुत कम हो जाता है, और जैसे ही 480 या 85 के करीब जाता है तो नेग्लिजिबल हो जाता है फिर, राइट। इसी तरह से आपको क्लोरोफिल बी को देखना है। क्लोरोफिल बी जो है स्टार्टिंग में इतना ज्यादा हाई नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसका पीक सबसे ज्यादा होता है कहां पर होता है, 480 टू 490 नैनोमीटर के बीच में इसका पीक है। इधर कैरोटीनॉइड्स का पीक 480 से लेके 510 तक आप देख सकते हैं, 510 या 20 तक, और फिर 530 के बाद ये ड्रॉप कर जाता है। हियर अगेन जब हम 630 के ऊपर निकलते हैं, 640 के आगे चलते हैं तो हमें क्लोरोफिल ए का पीक दोबारा मिल जाता है, और जैसे ही 680 के आगे चलते हैं, 700 के नजदीक हो रहे होते हैं तो हमें मिल जाता है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि पीक वॉल्यूम ऑफ इट। सो होप यू अंडरस्टूड दिस दैट किस तरह से ये डिफरेंशिएट होता है। वसीम समझ में आ गया, अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर आप अपना कॉमेंट में करिएगा पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, अभी तक तो हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा, अब हम एक्चुअल में समझने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी बुलाते हैं, लाइट रिएक्शन को हम बुलाते हैं फोटोकेमिकल फेज, और डार्क रिएक्शन को हम बुलाते हैं बायोसिंथेटिक फेज, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है। फोटोकेमिकल फेज में तो फोटोन यानी कि सनलाइट को यूज करके वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो देख लीजिए बच्चों डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट है ये, लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट, whereas dark reaction does not directly depend on light but depend on the product of light reaction, yani ki ADP aur NADP jab ye convert hote hain ATP mein to wo ATP dark reaction ke kaam mein aata hai, aur NADPH तो यहां पर हमने ADP इसलिए लगाया क्योंकि ADP से कन्वर्जन होता है ATP का और NADP से कन्वर्जन होता है NADPH का, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर वाटर इज स्प्लिट यानी कि फोटोलिसिस होता है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तभी ऑक्सीजन लिबरेट किया जाता है, और एंड प्रोडक्ट है एटीपी एंड एनएडीपीएच, इधर एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, जो कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले अगली पिछली स्लाइड में समझाया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए बच्चों ये है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर थोड़ा सा डायग्रामेटिक है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। लाइट आ रही है कहां पर आई, लाइट आई इन थायलाकॉइड्स के ऊपर यानी कि ग्रैना का जो स्टैक है उस पर आई। इसमें फोटोसिस्टम टू है, फोटोसिस्टम वन है, इनके बारे में हम जरूर बात करेंगे अभी। तो प्रोडक्शन क्या हुआ, एनएडीपीएच बना और एटीपी बना लाइट रिएक्शन में। फिर इसके बाद हमारे स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, जिसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। देख लीजिए ये जो कैल्विन साइकिल चल रहा है जहां पर CO2 आता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है शुगर्स, इस कैल्विन साइकिल की जो ऑकरेंस है वो कहां होती है, वो होती है हमारे स्ट्रोमा में, ग्रैना में नहीं होता, स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। अब इधर जो लाइट रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता। आप सोच रहे होंगे कि सर ने एक साथ ये सारी चीजें क्यों समझा दी, इसलिए दिखाया ताकि आपको इन अ वे एक ग्रिप बन जाए कि ये है इन शॉर्ट टोटल प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में हम ब्रेक करेंगे। तो बात कर लेते हैं फोटोसिस्टम्स की। तो फोटोसिस्टम जो लाइट रिएक्शन में काम आते हैं वो फोटोसिस्टम कौन कौन से है, फोटोसिस्टम द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थायलाकॉइड मेम्ब्रेन इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फोटोसिस्टम। जो पिगमेंट हैं यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए हैं, जो रिएक्शन सेंटर हैं, वो
थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। तो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन कैसी होती है, मैंने आपको बताया था इट इज अ लिपिड बाइलेयर। तो एक बार क्विकली उस लिपिड बाइलेयर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिपिड बाइलेयर में कैसे सिस्टम होता है। तो देख लीजिए, ये हेड है और ये रहे, ये भी दूसरा हेड है लिपिड बाइलेयर का, दूसरा हेड है, तो दिस इज द अदर हेड। आगे भी डायग्राम के थ्रू है। अब इन हेड्स के बीच में, दो हेड्स के बीच में टेल्स हैं। वो टेल मॉलिक्यूल यहां नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि टेल को दिखाया तो काफी ज्यादा जंबल्ड हो जाएगा डायग्राम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर इनके बीच में, इन टेल्स के बीच में यहां पर है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, मेम्ब्रेनस प्रोटीन। इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल में एक है, पहला वाला है पीएस फोटोसिस्टम 2 और दूसरा वाला है फोटोसिस्टम 1। इसको मैंने इसलिए पहले दिखा दिया क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि फोटोसिस्टम 2 जिसमें काम पहले शुरू होता है उसका नाम फोटोसिस्टम 2 है, लेकिन काम जिसमें बाद में शुरू होता है उसका नाम है फोटोसिस्टम 1। अब ये अंधेर क्यों है कि जहां काम बाद में शुरू हो रहा है वो फोटोसिस्टम 2 है और 1 है, और जहां पर काम पहले शुरू हो रहा है वो 2 है। एक्चुअली इनको डिस्कवर इसी सीक्वेंस में किया गया था। तो पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया फोटोसिस्टम 1, नाम रख दिया फोटोसिस्टम 1, लेकिन पता चला यहां से कार्यक्रम शुरू नहीं होता। फिर ढूंढा तो पता चला कि एक है और दूसरा फोटोसिस्टम। अब चूंकि वो बाद में डिस्कवर हुआ तो उसका नाम उन्होंने रख दिया फोटोसिस्टम 2। इसको क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए और कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं दोनों रिएक्शन सेंटर्स के बारे में। तो फोटोसिस्टम में होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट। रिएक्शन सेंटर क्या है? रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मेन पिगमेंट है, यानी कि रिएक्शन सेंटर जहां भी होगा वहां पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। और एक्सेसरी पिगमेंट कौन से है? क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये हैं एक्सेसरी पिगमेंट। और ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एंटेना के फॉर्म में, ऑल्सो कॉल्ड एंटेना, और उसको भेजते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। तो सारी की सारी एनर्जी को वो चैनलाइज करते हैं रिएक्शन सेंटर की तरफ। किस तरह से करते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इमेजिन करने की कोशिश करिए। वैसे तो ये सिस्टम इतने छोटे हैं कि साइंटिस्ट को भी एग्जैक्ट दिखा नहीं कि सनलाइट कैसे आ रही, क्योंकि सनलाइट के डुअल नेचर को हमने एस्टैब्लिश कर लिया। एक तो है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, या पार्टिकल नेचर, या फोटोन को हम बिलीव करते हैं कि फोटोन होता है। फोटोन की जो एनर्जी है वो आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ करके एक्सेसरी पिगमेंट में जहां पर भी पड़ती है तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, देख लीजिए, और फाइनली पहुंच जाता है रिएक्शन सेंटर। यानी कि रिएक्शन सेंटर में ही रिएक्शन होना है और कहीं होगा नहीं। बाकी सब जो है एक्सेसरी पिगमेंट है, इनको बोलते हैं एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल या एंटेना। देख लीजिए यहां लिखा हुआ एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल, एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। सो दिस इज फोटोसिस्टम। यहां पर हम फोटोसिस्टम को देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, देख लीजिए यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इस रिएक्शन सेंटर में काफी चीजें घट रही हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि रिएक्शन सेंटर में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये रिएक्शन सेंटर है, यहां रिएक्शन हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन बना, और ये देख लीजिए, ये जो पर्पल या वायलेट सा है, दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन के नाम से जाना जाता है फोटोसिस्टम 2 में। तो वो भी अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आगे चलकर। देख लीजिए एक और एडजॉइनिंग डायग्राम है, ये भी आपको क्लैरिटी दे देगा कि लाइट को ज़ैंथोफिल ने अगर मान लीजिए अब्सॉर्ब किया, फिर कैरोटीनॉइड ने किया, क्लोरोफिल बी ने किया, ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, यानी कि क्लोरोफिल ए ही है रिएक्शन सेंटर। ध्यान है, अभी मैंने बताया था, याद रहेगा। सो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द रिएक्शन सेंटर, ध्यान दीजिएगा। So this is the reaction center and the rest of them act as antenna pigment. Reaction center में reaction होता है, antenna pigment सिर्फ sunlight की energy को channelize करते हैं। तो दो तरह के होते हैं systems, एक है photosystem 1 और दूसरा है photosystem 2। तो photosystem 1 में क्या होता है, reaction center is P700, इसको P700 बोलते हैं reaction center। यहां पर जो chlorophyll A molecule है ये absorb करता है light of 700 nanometer की light को absorb करता है P700।
दूसरा देख लीजिए रिएक्शन सेंटर P680, इसको कहते हैं फोटोसिस्टम 2, यहां पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट एट 680 नैनोमीटर, तो इसको P680 भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है P700। यहां तक क्लैरिटी हो गई, आपको समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में और बांटा जा सकता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब है कि वो पूरा का पूरा साइकिल नहीं कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस घूमकर नहीं आएंगे, और साइक्लिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही सर्कल में पास करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, नॉन साइक्लिक होता है P700 यानी कि फोटोसिस्टम 1 और P680 यानी कि फोटोसिस्टम 2, दोनों को मिला करके रिएक्शन सेंटर, इसमें दोनों फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 2 सबसे पहले तो 2 से ही काम शुरू होता है, और फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 को मिला करके जो पाथवे इलेक्ट्रॉन का बनता है वो नॉन साइक्लिक है, और साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, 2 का कोई रोल यहां पर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर जो PS2 है, फोटोसिस्टम 2 है, वहां पर 680 नैनोमीटर की लाइट नहीं मिलती तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, और वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई रुक जाती, इस वजह से साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। घबराइए बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता कैसे है। व्हेन P680 यानी कि हम बात कर रहे हैं PS2 की, फोटोसिस्टम 2 की, जहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। When P680 absorbs sufficient light energy, it is excited and it transfers electron to an electron acceptor. यानी कि P680 becomes a strong oxidizing agent and splits a molecule of water to release oxygen. ये water के molecule को split करके oxygen release कर देता है। The light dependent splitting of water molecule is called photolysis. इसी mechanism का नाम है photolysis, जो कि light की presence में होता है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिए बच्चे, ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट। इस इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, H2O इट इज स्प्लिट इनटू टू हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो सेपरेटली टू इलेक्ट्रॉन से, और इनको मिलता है हाफ O2। हाफ O2 इस वजह से क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन मिलता है, सिंगल ओ मिलता। अब सिंगल ओ की एग्जिस्टेंस नहीं है तो या तो हम दो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करें, दो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेंगे 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2। तो यही सेम मैकेनिज्म अगर हमने एक वाटर को दिखाया है तो उसमें हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ O2 यानी कि O। O चूंकि एग्जिस्टेंस में नहीं आता है इसलिए हाफ O2 के फॉर्म में दिखाया गया। रिलीज नहीं होगा हाफ O2, इट विल अगेन गेट द अदर हाफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल वहीं पर दोबारा ब्रेक होगा तो तब वो पूरा O2 के फॉर्म में ही बाहर रिलीज होगा, अदरवाइज रिलीज नहीं होगा। तो इस चीज में बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन H2O 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस हाफ O2। इस इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन जो जेनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जेनरेटेड इन दिस प्रोसेस आर यूज्ड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680। P680 जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले वही यूज किए जाते हैं, जब वो चले गए तो उनको फिर से रिप्लेस करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग करके इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है। जो प्रोटॉन्स बने, जो हाइड्रोजन H+ आयंस यानी कि प्रोटॉन्स बने, वो NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे, NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीज है यहां पर, देख लीजिए बच्चों, केमिकल्स जो यूज होते हैं, जो आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोलिसिस, वो है मैंगनीज, हमने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, फिर क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेकडाउन, यहां पर है फोटोलिसिस यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन ही है लेकिन सनलाइट फोटोन पार्टिकल की प्रेजेंस में, तो दैट्स द डिफरेंस। है तो ये भी एक तरह का हाइड्रोलिसिस लेकिन हाइड्रोलिसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट यानी कि फोटोन पार्टिकल, इसलिए इसको कहते हैं फोटोलिसिस। केमिकल्स के नाम याद रखिएगा, मैंगनीज क्लोराइड और कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है फोटोलिसिस मैकेनिज्म में।
अब बात करते हैं डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अपहिल और डाउनहिल कैसे मूव करते हैं। अपहिल का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट और डाउनहिल का मतलब होता है लोअर एनर्जी स्टेट। जब P680 यानी कि फोटोसिस्टम 2 एक्वायर्स सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, इट बिकम एक्साइटेड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स विथ हाई एनर्जी रन डाउन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइमरी एक्सेप्टर, एक आएगा प्राइमरी एक्सेप्टर, दूसरा आएगा प्लास्टोक्विनोन, फिर आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर आएगा प्लास्टोसाइनिन, इससे मूव करते करते P700 पर पहुंच जाएगा एंड विच ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू फेरोडॉक्सिन, इसको फेरोडॉक्सिन या फेरेडॉक्सिन भी बोला जाता है, राइट। तो ये हुआ डाउनहिल। डाउनहिल का मतलब कुछ नहीं कि पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, डाउनहिल का सिंपल मतलब है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आना। तो यहां पर देख लीजिए H2O की स्प्लिटिंग हो रही है, यहां पर एक्सेप्टर है, ये देख लीजिए एक्सेप्टर है, फिर यहां आया, फिर यहां आया, इन सब के नाम हैं, ये हम सारे के सारे नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में समझेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि इसको समझने के लिए एक बार और पूरे सिरे से चीजों को समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो आज के सेशन को यही देते हैं विराम, और अगले सेशन में इसी स्लाइड के आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस रिएक्शन को, राइट। तो बात कर लेते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जहां पर हम डिटेल लर्निंग के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और डिटेल लर्निंग यहां पर होगी। तो देख लीजिए बच्चों, ये रहे सब्सक्रिप्शंस, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूज करिएगा कोड प्रदीप लाइव एंड यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फाउंडेशन, अनअकैडमी नीट ऑल आर असिस्ट चैनल, सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और शेयर कर दीजिए सेशंस को #NEET Live Daily के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में हर एक बच्चे को पता चल सके, राइट। और यूज करिएगा कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, इतना आप जरूर पढ़ करके आइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, और ये भी समझेंगे कि इनको फोटो फॉस्फोराइलेशन क्यों बोला जाता है। थैंक यू बच्चों, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय।